अगर छापा पड़ा तो मेरी वजह से नहीं पड़ेगा ये लेप्सियंस स्पीकिंग ऑफ लेप्सियंस आई विल कम बैक टू माय स्टोरी हैव यू नोटिस हाउ इन कराची द वर्ड फॉर गे इज गेज इट्स अ यूनिवर्सल प्लूरल यार वो गेज है एंड देन देयर इज आल्सो दिस वर्ड कॉल्ड अपेरेंटली कॉल्ड गेज हम Apparently homosexuality is an ism. यार आजकल gayism बहुत फैला है। किसने फैलाया? मैंने तो नहीं फैलाया। I'm a straight heterosexual woman with a vagina. Okay, not vagina. Correction in my case. बात कर रही हूँ चुतने की। चुत के मेरा वापस आने का टाइम हो गया। वापस मुड़ के लाहौर आके मेरी तो पहन चुत हालत टाइम हो गई। वापस आई तो लान ही लान आप सड़क निकलो इधर लान उधर लान मिलता कोई भी नहीं है तो मैंने कहा मुझे तो ये नहीं समझ आ रही दरअसल abundance of penises around me and yet I can't score one I'm clearly doing something wrong तो मेरी एक दोस्त है बहुत बड़ी गश्ती है बिल्कुल मेरी तरह उसने मुझे बोला कि जाने टिंडर यूज करो मैंने टिंडर पे लॉग इन किया सो यू नो यू आर इन लाहौर व्हेन ऑल द हॉट गाइज इन टिंडर आर फ्रॉम इंडिया आप लोग सारे कराची वालों की बदमाशी पाकिस्तान में आके बैठ गए हो हम तो अच्छे खास से बैठ के चौधरी थी ऊपर के भी किए क्या सारे हॉट पंजाबी रोक लिए अमृतसर के अंदर तो मैं इधर लाहौरियों की शक्ल देखूं बोर हो गई एक्सक्यूज मी गिव मी बीडीएसएम के अमेरिका में चवन लाहौर में आई है मुट्ठी लेती हूं पत्ती में तब बात बनती है तो सारे लड़के वहां पे मुझे कोई भी नहीं मिल रहा माय फ्रेंड्स सेड बिच देयर इज अ टेक्निक टू इट यू ओनली नीड टू मैसेज गाइस आवाज नहीं आ रही थी पीछे वालों को मैं वरना ही बहुत ऊंचा बोलती हूँ लेकिन सॉरी मुझे मेरे दोस्त ने बोला कि यू आर ओनली सपोज टू मैसेज गाइस हु हैव अ पिक्चर विद अ कार बिकॉज नोबडी हैज अ प्लेस जानू थकी तो होगी गाड़ी के अंदर तो वरना नहीं तो होगी तो फिर मैंने गाड़ी वाले बॉय को मैसेज किया गाड़ी वाला आया बॉय मुझे पिक करके ले आया लाहौर के अंदर भी देयर इज अ डिफेंस फेज एड उसका भी वही मकसद है जो आप लोगों के फेज एड का स्पीकिंग ऑफ लाहौर कराची कंपैरिजन डू यू हैव अ कराची ग्रामर स्कूल यस इज इट जस्ट एज फक्ड अप आई थिंक आई फिट इन दिस विद दिस सिटी यू नो गई तो मैं फेज एड के अंदर गाड़ी के अंदर चुतरी थी मैंने कहा क्या है आपको क्या नजर आ रहा है जो मैं कर रही हूँ मैं वही कर रही हूँ आपने मुझे हथकड़ियां लगानी है आप मुझे हथकड़ियां लगाएं मगर मैं पहले चुतूंगी अपनी गिरफ्तारी में चुतने के बाद दूंगी यू नो ये मजाक यहाँ पे नहीं चलेगा उसने बोला मैडम आए एडमायर कर आप बस दे दे 2000 रुपया दे दे मोबाइल का बाकी हम लोग देख लेंगे उसके बाद से मेरी तो दोस्ती होगी मैं गाड़ी चला के जा रहा हूँ रास्ते में सलाम करते सलाम सलाम भी जी आपकी जगह वो उधर उधर जाए लेकिन फिर बोर होगी तंग हो गई गाड़ी के अंदर कमर में स्प्रेन आ गया मेरे उसमें डेलिकेट सी मेरा आप लोगों ने मेरी देखी होगी वेस्ट पतली सी भी हूँ बिल्कुल सो मेरी कमर में चुभ निकल गया मैंने कहा इस दफा चुदूंगी तो घर के अंदर चुदूंगी किंकी भी हुई थी जरा सी मैंने कहा अम्मी के बिस्तर में चुदूंगी बहुत सोचा क्या किया जाए माँ तो घर से निकलती नहीं कैसे अम्मी को बाहर निकालू मैंने ढूंढ ढांड के अपने पड़ोस के अंदर एक दरस ढूंढा दरस जो कि शाम को 4 बजे होता था 4 से 6 बजे तक मैंने अम्मी को बोला मैंने कहा अल्लाह को थोड़ा खौफ करें सारी उम्र आपने अपनी नाक की सांस जीते कर गुजारी है कब्र के अंदर आपके पाँव लटके बच्चियां आपकी जवान है दरअसल होता है साफ मोहल्ले में कोई सुनने चली जाया करें ऐसी गिल्ट ट्रैपिंग की मैंने अपनी माँ गिल्ट ट्रैप करके मैंने अपनी माँ को भेजा एकदम दरअसल पर साथ मेरे रहते थे पठान उसका नाम था जमशेद अफरीदी जमशेद को बुलाया जरा गर्म हुए बैठे जरा गपशप मारी पहले स्टार्ट की स्मॉल टॉक और जी क्या करते हैं आप अल्लाह ना करे कपड़े उतारे बॉडी शॉडी भी अच्छी थी जैसी उस इंसान ने लन डाला और रगड़ना शुरू किया एक नहीं दो नहीं 3 स्पीकरों से असर की अजान शुरू हो गई
happens now? Do I die? Jamshed Afridi was equally shocked. So much for being a man. Thank you, Jamshed. Jamshed ne mujhe lai laa pe bola ki jaao break le le. Dekhe meri jaan, main hu pahadi aurat. Mera engine chalta hai diesel ke upar. Main garam hone mein der lagati hu, thande hone mein der lagati hu. Ye wale molvi sahab kuch zara special molvi sahab the. इन्होंने चुन के वही दिन ढूंढा था अजान देने के लिए। तो मेरे ख्याल से कोई महफिल हुई होगी नात खानी की, मुकाबला हुस्न नात खानी। उसके अंदर जो लास्ट बच्चा आया था उसको 30 साल की मुकम्मल बुरी ट्रेनिंग देने के बाद इस मस्जिद मौलवी को दौरे भर्ती कर दिया गया। 10 मिनट बाद जब भैया अलफला हुआ तब तो मैं भी थक चुकी थी। मैंने कहा जब बस हूं मैं थक गई हूं, देर हूं मेरे को नहीं आता। इस एक्सपीरियंस के बाद दोस्त बहुत डिसहार्ट हो गया। मुझे लगा मुझे अल्लाह मियां की तरफ से सजा मिल गया। मैंने बोला तुम गश्ती होती रहती हो, अभी तुम देखो सब ऐसा करता क्यों। मैंने बोला कि मैं आई प्रूव गॉड रॉन्ग, ब्लास्फेमस हूं तो ब्लास्फेमस होकर दिखाऊंगा। एक नहीं दो के साथ सेक्स करके दिखाऊंगी, थ्री सम करूंगी, थ्री सम। ये पंजाब की शहजादी है, पंजाब की रानी, पंजाब का फुद्दा। एक नहीं दो पंजाबी लड़कों के लड़ने की पंजाब यूनिवर्सिटी के एथलीट कबड्डी टीम वाले। मैंने कहा चुप तो हट जाओ, मुझे भी देख दो जरा, आए मजा मुझे। तो अस्पताल में एडमिट हूँ, अखबारों में खबर आया कि लड़की चुते चुते दो पसंद हो गई। बने सारा कुछ मेरे बारे में जरा सा स्कैंडल बने। आए मुझे दो लड़के चुनने के लिए, हाइट ऑफ एम्बेरसमेंट जरा मेरी चेक करें। पाई जाना इधर चुप चो, मैं आके चुपा देवी सारे चुपा के नाल क्रेमेडिया के नाल गनोरिया के नाल हेल्प प्लीज। लकी ड्रॉ है जिसको जो मिल गया। परसों आके बीबियों से पूछूंगी पहले कि उसको क्या मिला। खैर एनीवेज लड़के हैं मैं चोदने के लिए। चोदते चोदते एक लड़के ने अचानक मुझे बोला मैडम पोस्ट चेक कर ना, फुल मैन इंग्लिश पॉन स्टाइल डॉगी पोजीशन में नीचे से एनल करा रही हूं, आगे मैं लड़के को ब्लो जॉब दे रही हूं। पीछे वाले लड़के ने अचानक नारा मारा मैडम बहुत खुली है। चेक द हाइट ऑफ एम्बैरेसमेंट यार, मैं कच्ची बच्ची होगी, मैंने जल्दी जल्दी ऊंची ऊंची फेक मॉर्निंग शुरू कर दी।